दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। और आप वाईफाई स्टडी से पार्ट ऑफ एन अकेडमी, आपको पता है मैं शाम को 7 बजे एक पूरा एसएससी जीडी का सिलेक्शन बैच करा रहा हूँ 30 दिन का, तो वो जरूर देखिए 7 बजे आज भी होगा वाईफाई स्टडी पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी। दूसरा आपके वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो फ्री क्लासेस अन अकेडमी के अवेलेबल है, प्रोफाइल फॉलो करें अमनदीप शर्मा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कोर्सेज हैं बेटा, ये कोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं आप प्लस कोर्सेज। आपको इन कोर्सेज के लिए सिंपल सा है, जैसे नए बैचेस अभी आ रहे हैं 13 अक्टूबर के, तो आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है। बैचेस को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका रहेगा, ठीक है। आप क्या करें, इन कोर्सेज के लिए एसएससी गोल सेलेक्ट करें। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो आप इस रेफर कोड लाइव अमन को यूज़ कर लें, जिससे आपका इधर सब्सक्रिप्शन की फ़ीस कम हो जाएगी। आपको ये फीस नहीं देनी, ये फीस देनी है जो कि कम फीस है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप यूटिलाइज करें, सारे टीचर सारे सब्जेक्ट सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 5 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं पूछने वाला हूँ। आप इसका आंसर ज़रूर दें, और आपको डिटेल फॉर्म में बताएं तो ज़रूर डिटेल फॉर्म में भी बताएं। पहला, महावीर चक्र अवार्ड, ठीक है, मरणों उपरांत 2021 का किसे मिला? करंट अफेयर है, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बी संतोष बाबूजी जो हैं, ठीक है, इनको ये महावीर चक्र अवार्ड, ठीक है, मरणो उपरांत मिला है। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार बहुत सारे खिलाड़ी पहली बार हम कुछ खेलों में क्वालिफाई तक कर पाए हैं, तो वो वन ऑफ द एग्जाम्पल है इंडियन फेंसर जो क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक। खिलाड़ी का नाम पूछा गया, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, भवानी देवी, ठीक है, खिलाड़ी का नाम क्या है, भवानी देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, खिलाड़ी का नाम भवानी देवी, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। और देखते हैं सवाल इसके बाद। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विच कंट्री इज लॉन्चिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मैप द जेनोम्स इन इंडियन ओशियन, ठीक है, बताइए कौन सा देश है जो फर्स्ट, पहला देश है जो कि प्रोजेक्ट इसने चलाया है टू मैप द जेनोम्स इन, ठीक है, ओशियन। तो आंसर है इंडिया, हमारे भारत ने ही जो है जेनोम्स मैप करने का इंडियन ओशियन में जो है प्रोजेक्ट चलाया। महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। एक और देखिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अभी आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनको डी, उनको जो उनके स्टेक्स हैं उनको बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा, कि उससे कुछ अमाउंट आ सके। तो अभी सरकार ने जो इस साल लेटेस्ट 5 सालों में जो 5 सालों में जो स्टेक जो है किए हैं डिस्क्लोज, वो उसका कितना अमाउंट मिला है? तो आंसर है इस क्वेश्चन, कितना अमाउंट, ठीक है, इतने करोड़ का अमाउंट जो है मिला है, इतने करोड़ का अमाउंट जो है मिला है, इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, एस रमन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस रमन जी जो है इनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एमडी और चेयरमैन घोषित किया गया है, बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, एमडी और चेयरमैन घोषित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी है, सिडबी के अपॉइंट किएंगे चेयरमैन और एमडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछे हैं ना 5, इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको अगर जैसे फुल फ्लेज करंट अफेयर पढ़ने हैं या फुल फ्लेज क्लासेस कर लिए, शाम को 7 बजे होगा वाईफाई स्टडी पे, भूलना मत, शाम को 7 बजे का ये सेशन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में क्या होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको इसके यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस हो ही रही हैं, आपकी फ्री क्लासेस जितनी भी आप उसे एक्सेस करिए, जैसे वर्ल्ड अफेयर का वीडियो उसे देखिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आप कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कोर्स में, एक ही सब्सक्रिप्शन पे सारी PDF आपको विजुअली कंटेंट रिच होगा, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, और सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड का मतलब इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, आप लिमिटेड नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जो आप चाहते हो कि आप ये टीचर से पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो उनसा कोर्स अवेल करना चाहते हैं आप उसी में, जैसे आपने SSC सिलेक्ट किया एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने SSC सिलेक्ट किया तो SSC के हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी एक ही कोर्स में,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से जीडी के लेना पड़ेगा किसी के लिए। तो आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच में एसएससी गोल सिलेक्ट करिए। जब आप एसएससी गोल सिलेक्ट करेंगे तो आपको इधर सब्सक्रिप्शन का ऑफर आएगा। इधर ना पहले आप एक रेफर कोड लगाइएगा लाइव अमन, जिससे आपकी फीस जो है कम हो जाएगी और आपका जो है सब्सक्रिप्शन फीस ये होने वाली 293 के आसपास, जो सबसे कम फीस है। तो आप इसे जरूर यूटिलाइज करें, बेनिफिट उठाएं इसका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डेट आपको आपकी फीस जो है आपकी कम हो, ठीक है। तो यूटिलाइज करिएगा इसे, ठीक है, फीस आपकी इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए तो मिलते हैं, ऐसे में और करंट अफेयर की वीडियोस डालूंगा, तो आप इसे यूटिलाइज करिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी की क्लास ज़रूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण शाम को 5 बजे की वाईफाई स्टडी की क्लास है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।